नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाय। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। भैया क्या नाम आपका? हरिशरण शर्मा। अच्छा, कहाँ पे रहते हो? ये रंगोली नगर दिव्या कॉलोनी 14B। जी, ये जो बना हो किस तरह से बना आपके साथ? ये असल में 200 में रूम लिए थे जी, एक 5,000 का, एक 2,500 जी। 2,500 में दो मेरे कारीगर रहते थे जी, 5,000 की फैमिली रहती थी। तो मकान वाले को बोल दिया था 4-5 दिन पहले कि मैं तुम्हारा 15 तारीख को खाली कर दूँगा रूम जी। तो उसको ये चयन हो गया कि लॉकडाउन में मेरा घाटा हो रहा है, तो 2,500 वाले रूम की जो है तो लाइट ख़राब हो गई। ठीक है, लड़कों को भेजा कि जाके लाइट बनवा ले। वो बोले कि अब लाइट वाइट नहीं बनेगी, ऐसे रहना हो तो रहो नहीं जाओ। तो हमको फिर 15 दिन का किराया कौन देगा? तो उसी में झगड़ा होने लगा, तीन लड़कों को मैंने बंद कर दिया अंदर। अच्छा, मकान मालिक का नाम क्या है? सत्येंद्र तिवारी। सत्येंद्र कहाँ पे रहते हैं? ये वही बगल में उसी का मकान है जी। कब से रह रहे हैं आप वहाँ पे? यहाँ मुझे हो गए 5-6 महीने, 6 महीने। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे फरियाद होने के बाद किस तरह से आपको जॉब मिला पुलिस स्टेशन? 2 तारीख को मैं यहाँ गया, 2 तारीख से यहाँ अभी तक जो है तो मुझे कोई न्याय नहीं मिला जी। मैं यहाँ फरियाद करने गया जी, तो बोल रहे हैं वो जो है तो क्रॉस केस बनेगा। अच्छा, तुम भी जेल आने को तैयार रहना। आपकी फरियाद कब ली? फरियाद मेरी याद जो है तो 1 बजे के बाद। अच्छा, बनाओ कौन से तारीख को बनाई, याद है आपको? ये 2 तारीख, 2 तारीख को बना और फरियाद आज ली आपकी? आज। अच्छा, क्या बताएं यहाँ से? मेरे यहाँ लड़के बच्चे पूरी फैमिली पड़ी है जी, और बोलते हैं कि घर जाओ, हमको घर नहीं जाऊँगा। तो बोल रहे हैं कमिश्नर के यहाँ चले जाओ तो सिक्योरिटी गार्ड ले आओ जी। आपको हाथ के सिवा और कहाँ कहाँ लगा हुआ है? हाथ के ये हाथ में लगा है, पीठ में लगा है, पैर में लगा है, ये औरत के भी लगा है, लड़कों के भी लगा है, कल अंदर भी है। करीब 50 अच्छा, आपको किस तरह से मतलब लड़कों ने मारा आपको? जी घर पे नहीं, उनको दीदी को बोलना था। लड़कों ने मारा मेरे को। अच्छा, लड़कों ने मारा बचाने के लिए, इनको वहाँ से अपने घर में वहाँ अंदर कर लिया था, तो वहाँ से इनको अपने मकान से जो मैं रहती उसमें इनको वहीं पकड़ लिया था। तो मैंने इनको हल्ला सुना तो वहाँ गई जल्दी जल्दी बचाने के लिए। वहाँ से बचा के एक तो इसको तारी लेके आई नीचे, तो उसको सीढ़ी से नीचे फेंक दिया जी। जब इसने आवाज पाया रोने का तो फिर भागते ऊपर। कितने लोग थे टोटल, कितने लोग थे करीबन? पहले 3 लोग थे, फिर उसके बाद आए 3 लोग थे। फिर 3 लोग से जो नीचे उतार के लाई तो नीचे पकड़ के ले गए। उसका बाप बोल रहा था कि भोसड़े वाले को मकान भोसड़ा में लाठी डालूंगी, ये करूंगी, ऐसे गाली दे रहा था। तो मैंने नीचे लेके आई उसको, लेके आई यहाँ, तो इसको अंदर बंद कर दिया। इतने में फोन कर दिया तो सारे लड़के जो आ गए। उसका दामाद आया तो वो भी लड़के लेके आए, उसका बाप बाप भी। आपको कहाँ पे लगा, आपको कहीं लगा है? मेरे बस की उंगली में लगा है, सूझी है बस, और कहीं नहीं लगा मेरा। मैं तो मुझे अंदर कर दिए थे पापा मेरे, पापा मेरे मेरे छोटे वाले भाई को अंदर कर दिए, लेकिन भाई बाहर था, उसके सिर पे एक डंडा लगा है बस। जब वो 25 लड़के है तब वो हम लोग अंदर ही थे, 100 नंबर को फ़ोन किए, लेकिन 100 नंबर 1 घंटे बाद पहुँची, जब तक सब कुछ हो चुका था। वो भी भाग गए थे जो मारने वाले। फिर उसका दामाद आया तो दामाद उसका गेट और तोड़ ताड़ के ऊपर से दूसरे के तार, अभी भी वहाँ तार वार सब टूटे पड़े हैं, वो तोड़ ताड़ के वहाँ से ऊपर से दूसरे घर से चिटिक के आके जीने से पापा का दरवाज़ा खोल के बाहर निकाल ले गया, फिर वहीं खूब मारा, रोड पे घसीट के मारा इसी के लिए, रोड पे घसीट घसीट इनके पीछे पीछे में लेके दूसरे के घर में इनको बंद की जाके। यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा, यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा, हाथ दर्द हो रहा था, बोले बैठो बैठो बैठो, 1 बजे तक हम लोग यहीं बैठे रहे, 1 बजे के बाद फिर हम लोगों को उनको बोलने लेके गए। उनको एक जन बोलो, कोई भी बोला दीदी मारे तो वहाँ दूसरे के घर में मैंने अंदर कर दिए, जो दूसरे के घर में वहाँ भी घुस गए अंदर करने के लिए, तो जिसका घर था उन्होंने गाली गलौज करके बाहर निकाला, सिर्फ नहीं लगा दिया बाहर से। फिर इतने बीच में जब फोन कर दिया, जब पुलिस आने का टाइम हो गया तो सब उन्हें बोल रही थी मकान मालकिन जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो, सबको भगा दिया यहाँ से, कोई नहीं रह गया था। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ नारोल पुलिस स्टेशन। नारोल पुलिस स्टेशन के जो अंडर में जो बनाव बना 2 दिन पहले बना है, जिनको लगा है, मैंने अभी दिखा है आपको कि उनके हाथ में लगा हुआ है, मकान मालिक ने इनको मारा है, और 2 दिन से ये लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हुए हैं, जिनको कई तरह की यहाँ के पुलिस स्टेशन से हेल्प नहीं मिली। और आज दोपहर को इनके जो सुना है कि इनकी फरियाद आज दोपहर को ली गई है, आज दोपहर को फरियाद लेने के बावजूद भी इनको ऐसा बताया गया है कि अगर आप भी पुलिस स्टेशन आप भी जल्द जाने के लिए रेडी रहना,
क्रॉस फरियाद हम करेंगे, बल्कि इनको भी लगा है और इनके बीवी को भी हाथ पे लगा हुआ है कि जो आदमी लोगों ने इनको मारा है। जैसे कि गुजरात गवर्नमेंट ने उस वक्त ऐलान किया था कि कोरोना के समय 3 महीने का या 6 महीने का भाड़ा नहीं लिया जाएगा, फिर भी इस तरह का अन्याय यहाँ पे हो चुका है। कैमरा पर्सन परेश के साथ मैं आकाश तेंदुलकर, हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज़, नमस्कार।